हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश के इस क्लास में। आज का जो भी स्ट्रक्चर है फ्यूचर टेंस का है, पहला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 42। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट के बाद विल, फिर बी, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V4, बहुत सिंपल है ना। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखते रहेंगे, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश, मतलब काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं, हम लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। विल बी ट्राइंग टू इम्प्रूव आर सेल्स, बहुत सिंपल। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगा दीजिए, आप शैल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रक्चर नंबर 43, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आज लोग फ्यूचर परफेक्ट की जगह फ्यूचर इंडिफिनिट का उपयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बोलिए सर, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, एक सिंपल से एग्जांपल से हम आपको ये बात समझाते हैं। एक सेंटेंस है, हम लोग कल तक इस लेसन को समाप्त कर चुकेंगे। जब हम बोलते हैं हम लोग कल तक इस लेसन को समाप्त कर चुकेंगे, तब ये फ्यूचर परफेक्ट होता है। क्या इसके जगह हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग कल तक इस लेसन को समाप्त कर लेंगे? बोल सकते हैं ना, दोनों तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली कोई सेंस में फर्क नहीं है। पहला तरीका फ्यूचर परफेक्ट का है, जो दूसरा सेंटेंस हमने बोला दूसरे तरीके से वो फ्यूचर इंडिफिनिट है। फ्यूचर परफेक्ट की जगह फ्यूचर इंडिफिनिट ज़्यादा सिंपलिस्टिक है, ज़्यादा आसान है, ईजी है। क्यों है? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में हैव और V3 याद रखना पड़ता है, जबकि फ्यूचर इंडिफिनिट में सिर्फ V1 से काम चल जाता है। तो हम लोग कल तक इस पाठ को समाप्त कर चुकेंगे, हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं वी विल हैव फिनिश्ड दिस लेसन बाय टुमारो। याद रखिएगा, जहां पर हमने ये बोला है वी विल हैव फिनिश्ड दिस लेसन बाय टुमारो, ये वाला ये तो सही है ही, लेकिन हम चाहें तो इसके जगह हम बोल सकते हैं वी विल फिनिश दिस लेसन बाय टुमारो। एक ही बात होगा, एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप सोचिए कौन वाला आसान है, आप उसके अकॉर्डिंग यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि नीचे फ्यूचर परफेक्ट ही बोलना आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर दुनिया में लोग फ्यूचर परफेक्ट के जगह अब फ्यूचर इंडिफिनिट का उपयोग करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट स्ट्रक्चर है आज का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लोग इसका उपयोग बहुत कम करते हैं, लेकिन किया जा सकता है जगह जगह पर। जैसे वे लोग अगले वर्ष से यहाँ काम करते हुए रहेंगे, यहाँ पर वी नहीं दे होना चाहिए, इसको पहले हम करेक्ट कर दें। दे विल हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। अब आप बोलेंगे सर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आपने सिंस क्यों नहीं यूज़ किया? याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि सिंस का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का उपयोग इन्हीं चार टेंसेज में होता है, इसके अलावा और किसी टेंस में नहीं। फ्यूचर में तो गलती से भी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह फ्रॉम का यूज़ करेंगे। They will have been working here from the next year. हाँ, for plus period of time के use में कोई restriction नहीं है। वे लोग अगले वर्ष से यहाँ 5 वर्षों तक काम करते हुए रहेंगे या काम करते रहेंगे, इसी में जोड़ सकते थे। They will have been working here from the next year for 5 years या for 5 years from the next year, ठीक है। तो for plus period of time में कोई issue नहीं है, आप उसमें बेहिचक यूज़ करिए, लेकिन सिंस का यूज़ करते समय ध्यान दीजिए कि चार ही टेंस हो सकता है अगर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ किया गया है तो, ठीक है। तो ये थे आज के स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि अगले 2022 में आप क्या क्या काम करते रहेंगे, अगले साल 2022 में आप क्या क्या करते रहेंगे और कौन कौन सा काम समाप्त कर चुकेंगे। ऐसे 3-3 काम जो 2022 में आप कंटिन्यू करते रहेंगे, 3 things that you will be doing in 2022 and 3 things that you will have done or you will have completed by the end of 2022. You'll have to mention it in the comment section. Thank you very much.